पंचपेट पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अग्निपंग इस एनजीओ ने बेरोजगार महिलाओं को तथा कुसंगत में पड़े युवकों को नई राह दिखाई है, जिनमें एक बड़ा ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। जीवन में अगर जरा भी सकारात्मकता की रोशनी पड़े तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती, जिसका उदाहरण नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी पुलिसिंग और अग्निपंख एनजीओ के अभियान में देखने को मिला, जहां अग्निपंख ने रोजगार दिलाने के तहत प्रशिक्षण दिया, जिसमें महिलाओं ने तो कमाल ही कर दिखाया। अब इन महिलाओं की टीम बन चुकी है और आहार फूड सर्विसेस नाम से ऑनलाइन एजेंसी भी बन गई। इतना ही नहीं, कुसंगत में पड़े युवकों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला, अब वे कार वॉशिंग का काम करते हैं। गणेशपेट पुलिस स्टेशन का एक कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है, जिसमें अग्निपंख फाउंडेशन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो बजरिया एरिया आता है, जो कह सकते हैं कि गणेशपेट पुलिस स्टेशन का सबसे ज़्यादा क्राइम प्रोन एरिया है, यहाँ पर कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया था। वैसे तो पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते थे, तो हमको ये समझ में आया कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा है। तो हमने अग्निपंख फाउंडेशन की मदद से, अग्निपंख फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की मदद से, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, ऐसी 8 महिलाएं और 2 पुरुष, उनको हमने स्किल डेवलपमेंट दिया। और स्किल में हमने उनको एक कम्युनिटी ऑनलाइन किचन कैसे चालू करना है, क्लाउड किचन कैसे चालू करना है, उसके बारे में सिखाया। और बेसिकली हमने आज उनके साथ मिलकर 2 व्यवसाय के लिए उनकी मदद की है, चालू करने के लिए मदद की है, जिसमें पहला व्यवसाय का नाम आहार है। आहार एक ऑनलाइन किचन है, जिसमें चीप मतलब सस्ता फूड महिलाएं बनाएंगी और स्विगी, जोमेटो और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको वहीं के रहने वाले जो पुरुष हैं डिलीवर करेंगे। सेकेंड एक जो प्रोजेक्ट है वो कार वॉशिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको कार वॉशिंग करने के लिए जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो वो कार वॉशिंग जब करने जाएंगे तो उनको 100 से लेकर 150 रुपये पर कार वॉशिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने लिया है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत लिया है, जिसमें हम लोग बजरिया में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो कहीं ना कहीं वहाँ का जो वातावरण खराब हो रहा था उसको सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट मदद करेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।